आइए बच्चों, आज हम लोग रस खान के पद का दूसरा भाग पढ़ते हैं। पहले वीडियो में हमने भाग प्रथम पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसे देखें ताकि इसे भी पूरी तरह से समझ सकें। बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले सवैया का प्रसंग पढ़ेंगे, अर्थात उसमें क्या क्या है उसकी जानकारी। उसके बाद व्याख्या करेंगे, अर्थात व्याख्या का मतलब हुआ हम लोग उसका भावार्थ पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग प्रसंग देख लेते हैं क्या है। हर हाल में कृष्ण जन्मभूमि ब्रज में ही निवास करने की इच्छा। रस खान की इच्छा हर हाल में कृष्ण के जन्मभूमि ब्रज में ही निवास करने की है। वो चाहते हैं कि वो ब्रज भूमि में ही निवास करे, अर्थात वह वहीं रहना चाहते हैं। हर सुख संपत्ति से बढ़कर अलग अलग स्वरूपों में ब्रज में जीवन व्यापन। वो अपना सारा सुख संपत्ति त्याग दे, चाहे वह अपना सारा सुख संपत्ति त्याग दे, लेकिन अगर वह ब्रज में हैं तो उसे बहुत खुशी होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे उसे सारा सुख संपत्ति त्यागना भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उन्हें ब्रज में रहने का अवसर प्राप्त हो। तो आइए सबसे पहले इस सवैया को पढ़ लेते हैं क्या है। या लकुटी आरु कामरिया पर राज तिहूँ पूर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। बच्चों, अब दो दो पंक्ति करके पूरी सवैया का हम लोग अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम दो पंक्ति क्या है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पोर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। तो पहला क्या है, लकुटी। लकुटी मतलब छोटी लाठी। और दूसरा गाय। गाय का अर्थ हुआ गाय। तो आइए हम लोग रस खान के द्वारा लिखे गए इन दो पंक्ति का अर्थ जान लें। क्या है, या लकुटी आरु कमरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो। ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए कवि तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए भी तैयार है। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि उन्हें ग्वालों की लाठी और कम्बल मिल जाए तो वो तीनों लोक का राज, यदि उसे तीन लोक का राज एक और ग्वाले की लाठी और कम्बल मिल जाए तो वह ग्वाले की लाठी और कम्बल को पाना चाहते हैं। और दूसरी पंक्ति क्या है, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। नंद की गाय चराने के लिए वो आठों सिद्धि नवो निधि के सुख भुला देंगे। वो बोल रहे हैं यदि उन्हें नंद की गाय अर्थात श्री कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए तो वह आठों सिद्धि नवो निधि की सारे सुख संपत्ति सब कुछ हो त्यागने के लिए तैयार हैं, बस उसे नंद का गाय मिल जाए चराने के लिए। इस पंक्ति से क्या भाव निकल कर आता है कि रस खान का श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। वो उनकी गाय तक को चराने के लिए वह आठों सिद्धि तथा नवोनिधि का सुख तक को त्यागने को तैयार है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से अपार प्यार है। आइए अब हम लोग आगे की आखिरी दो पंक्ति को समझने की कोशिश करें। रस खान कवो इन आखिन सो ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। सर्वप्रथम हम लोग कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। तड़ाग जिसका अर्थ होता है तालाब, कुंजन का अर्थ बगीचा। बच्चों, आखिरी दो पंक्ति का अर्थ जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने वीडियो को पॉज कर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने मित्रों को भी प्रेरित करें ताकि आपके पास अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जो आपको परीक्षा केंद्र में मदद करेगा। तो आइए बच्चों, बिना समय गंवाए हुए अब हम लोग इन आखिर की दो पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करें। रस खान कबो इन आखिन सों ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारों। अर्थात रस खान
अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि रसखान यह चाहते हैं कि वह ब्रज में जाकर बस जाएं, ताकि वो हमेशा वहाँ के वन, उपवन और तालाब को जी भर कर देखते रहे। आखिरी पंक्ति है, कोटिक एक कल दौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वालों, ब्रज की कांटेजार झाड़ी के लिए वो सौ महलों को भी निछावर कर देंगे। रसखान का ब्रज के प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति इतना अगाध प्रेम है कि वो वहाँ के कंटीली झाड़ियों के लिए भी कई सौ महल तक को त्याग देने को तैयार हैं। तो बच्चों, इस तरह से अपनी यह पाठ समाप्त होता है और आखिर में हम लोग फिर से देख लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ताकि हम लोग का पूर्ण अवलोकन हो जाए। करील के कुंजन ऊपर वारों सवैया का सारांश पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, रसखान का ब्रज के प्रति अपनी अपार श्रद्धा का मार्मिक वर्णन, अर्थात रसखान का जो ब्रज के प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, उसका मार्मिक वर्णन। बच्चों, अब अपनी पाठ समाप्त होती है। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।